अभी वो घर पे हो सकती है। यहाँ प्रत्याशी है, मुक्ति मोर्चा एक परिवार है। झारखंड के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश की नजर दुमका लोकसभा सीट पर है। दिल्ली की सरकार में बैठे बड़े नेता दुमका सीट पर टकटकी लगाए हैं। वे समझते हैं दुमका सीट जीत लिया तो पूरे झारखंड को जीत लेंगे। दुमका लोकसभा क्षेत्र झारखंड की नाक है, इसे हर हाल में जीतना है। वहीं बसंत सोरेन ने दुमका सीट बचाने और गुरुजी का सम्मान लौटाने के लिए कार्यकर्ताओं से झामुमो प्रत्याशी नलीन सोरेन को जिताने की अपील की। बसंत ने कहा कि सीता सोरेन घर में भाभी है और चुनाव मैदान में हमारी विरोधी है। बसंत रविवार को जामताड़ा दुमका रोड स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार षड्यंत्र कर रही है। षड्यंत्र के तहत पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे मामले में फंसा कर जेल भेजा और उसके बाद घर तोड़ने का काम कर रही है। शॉर्ट पर ये चुनाव एक चुनौती ही है हम लोगों के लिए, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चुनाव में अनुभवी भी लोग भी हैं और जोशीले लोग भी हैं। तो चुनाव बहुत ही मजेदार होगा और शानदार होगा। आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा चुनाव की रणनीति अब बनेगी कि कैसे हम लोगों को करना है, क्योंकि दोनों अभिभावक को इसका तजुर्बा बहुत पुराना है और इन्हें पता है कि चुनाव को कैसे लड़ा जाता है, और इनसे सीखने का मौका हम लोगों को भी मिलता रहा है। तो इनका अनुभव और हम लोगों का इनके साथ होना एक अच्छा अनुभव रहेगा। उनका से आपकी बात गलत है, आप लोग थोड़ा सा भाभी वो घर पे हो सकती है। यहाँ प्रत्याशी है तो यहाँ भाभी देवर चाचा भतीजे की बात नहीं है, और भतीजी की बात है। यहाँ चूंकि वो प्रत्याशी हैं भाजपा से, तो प्रत्याशी के तौर पर हमारे सामने हैं और हम लोग उनको एक प्रत्याशी के रूप में ही लेते। लेकिन पहले कुछ असर पड़ेगा इस पे, पार्टी पे, चुनाव पे? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार है, और जब भी इस परिवार को किसी ने छेड़ने का प्रयास किया है, कमजोर करने का प्रयास किया है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा है कि उसको मुंह की खानी पड़ी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।